अदालतगंज के इस कैंपस में एक नहीं बल्कि चार चार स्कूल चल रहे हैं। एक भवन में चार स्कूलों की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन बिजली केवल उसी स्कूल को मिल पाती है जिसके मध्य में स्कूल का भवन है। इससे छात्रों और शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों का भवन नहीं है तो दूसरे विद्यालय में हम लोग शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। ये आदेश विभाग से मिली हुई है, उस आधार पर हम लोग यहाँ क्लास चलवाते हैं। आखिर बिल जो आएगी, बिजली बिल, वो कहाँ से पेमेंट करेंगे हम लोग? यहाँ तो मजबूरी ये है, इस कारण हम लोग इसी स्थिति में चल रहे हैं। कभी कभी बॉल जलता है लेकिन फिर काट देता है बॉल, नहीं फिर जलता है, फिर पंखा उनका भी चलता है, फिर नहीं चलता है। अभी कभी कभी खाना उना में भी पिल्लू निकल जाता है। कैंपस का हाल ये है कि 1500 बच्चों वाले स्कूल में छात्रों के लिए शौचालय के नाम पर केवल ढांचा तैयार है। कैंपस में चापाकल तो लगा है लेकिन उससे पानी नहीं आता। पानी के लिए बच्चों को कैंपस से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पे पानी की काफी किल्लत है, यहाँ पे ना ही नलकूप में कोई अच्छी सुविधा है। पानी जो भी है, जो डिस्चार्ज होता है विभाग से, सरकार की तरफ से, वो पानी जो है समय पे नहीं आता है, जिसके चलते बच्चे दूसरे के घर में जाकर के पानी पीते हैं। लेटरिन बाथरूम की भी सुविधा जो है सो नगण्य मात्र है, कुछ सुविधा ही नहीं है, जिसके चलते शिक्षक लोग को भी काफी परेशानी होता है। टॉयलेट करने के लिए बाथरूम नहीं है और पंखा लगा, इसके लिए बिजली नहीं देता है और बॉल भी नहीं है। सरकार ने शिक्षा को लेकर भले ही कई योजनाएं बनाई हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के हाल पर गौर करें सारी योजनाएं दम तोड़ती नजर आती हैं। साल 2011 में शिक्षकों की औसत उपस्थिति 85.1% थी, जो 2012 में घटकर 78.2% हो गई। इधर स्कूलों में 58.3% छात्र थे, जो 2011 में घटकर 50% हो गए। राज्य में 614 साल के 50% बच्चे शिक्षा के लिए निजी ट्यूशन पर निर्भर हैं, जबकि देश में 28.3% बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि बिहार में महज 6% बच्चे ही निजी स्कूल में पढ़ते हैं। निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या सालाना 10% की दर से बढ़ रही है। राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात भी महज 8.8% है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 40% है और राज्य में केवल 51.2% स्कूलों में ही शौचालय की व्यवस्था है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को मार्च 2013 तक पूरा करना था, जबकि राज्य सरकार ये मापदंड अब तक 8% भी पूरा नहीं कर पाई है। इसकी वजह से राज्य के बच्चे अपने मूल अधिकारों से अब तक वंचित हैं। राजेश कुमार, सहारा समय, पटना।